बिस्व गुरु और विकास के नाम पे फेमस योगी आदित्यनाथ। सो आइए दोस्तों आज बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। अरे यार योगी तो मत ही बोलो, हे जी नोट आ योगी। अगर इनको आप योगी बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो रियलिटी में योगी हैं, जो रियल में योगी हैं, आप उनका जरूर ही अपमान करते हो क्योंकि ये योगी नहीं है। और आपको फिर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि नाम बदल लेने से और कपड़े वेशभूषा बदलने से कोई योगी नहीं बनता है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों पहले तो ये अपने आप को राम का भक्त बनाते, स्वयं राम बताते हैं, स्वयं भगवाधारी बताते हैं। अब आपकी इनकी कहानी बताता हूँ। दोस्तों इनका जन्म होता है उत्तराखंड में। इनका रियल नाम जो है दोस्तों वो है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट के नाम से ये पले बड़े बड़े हुए लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। और उत्तराखंड में जहाँ की जंगल है, लेकिन राम का नाम लेते हैं तो हमें ये समझनी चाहिए कि राम जो थे वो ऐसो आराम को छोड़कर, अयोध्या को छोड़कर जंगल गए थे, बट ये जो थे ये जंगल को छोड़कर ये अयोध्या आए थे। मतलब उत्तराखंड में जंगल होती है, वहां से ये छोड़कर आए हैं अयोध्या जैसे धाम, यानी कि उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए। सो ये तो बात साफ साफ होता है कि ये कोई योगी नहीं है और राम भक्त नहीं है, बस यूं ही मजाक उड़ाया जाता है। इनका नाम और काम दोनों ही ऐसा है, नाम बदल लेने से कोई योगी नहीं बनता है। और दोस्तों जो भी लोग मोदी भक्त हैं उनको ये वीडियो में बहुत ही बुरा लगेगा, सो लगनी चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जिसमें लोगों को बुरा ना लगे और कोई आवाज ना उठाने की चेष्टा करे, क्योंकि मैं बात करता हूँ सच्चाई के ऊपर और सच्ची बातें हमेशा ही कड़वी होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, किसी के ऊपर भी हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें दोस्तों। जब मोदी सरकार जब आई थी तो डेवलपमेंट के नाम पे खूब बहुत लूट ली, आवाज भी लूट रही है सभी से, लेकिन आते के साथ ही उसने ऐसा कहा था कि अगर मेरी सरकार आई और अगर मैं आ गया प्रधानमंत्री में बना तो इस देश में जितने भी MLA चुनकर जाते हैं, MP चुनकर जाते हैं और जो भी लोग चुनकर जाते हैं नेशनल असेंबली में, उनकी चेकिंग होगी कि उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है। अगर कोई केस है तो उसके लिए अलग ही कोर्ट बनाया जाएगा और उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उन लोगों को जेल में डाला जाएगा। जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने जीत हैं जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, NDA वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो पहले। वो गुनाहगार सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनाहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या मोदी जी आपकी शुद्धि की शुरुआत, आपकी अच्छाई की शुरुआत इसी से हो रही है? और अब बताते हैं योगी के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जो शायद आपको नहीं पता होगा और जानने के बाद आप काफी शौक हो जाए। बताते हैं दोस्तों इनपे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जैसे कि रायोटिंग दंगा करवाने के केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या करवाने के केसेस और इंडरिंग लाइफ और ऑफ पर्सनल और सेफ्टी ऑफ अदर्स, मतलब किसी के व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत जीवन को खत्म करने की कोशिश, धमकी, इसके ऊपर भी केस चल रही है। आर्म विथ डेडली वेपन यानी कि जो मतलब घातक हथियार है उसके साथ शस्त्रघात पकड़े जाना, यह भी उनपे भी ये केस चल रहा है। अनलॉफुल असेंबली मतलब विधि विरुद्ध कोई भी जमाव करवाना, इकट्ठा करवाना, लोगों को भीड़ इकट्ठा जमाव करवाना, यह भी एक कानून अपराध है जिसमें भी इनका केस चलता है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंसी ऑन बिलियन प्लेसेज एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन, मतलब दफन
स्थानों पे धमकी देना, मतलब किसी भी जात के लिए, धर्म के लिए, इन पे भी ये केस चल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे केस चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं बताने लगूं तो बहुत सारा मेरा टाइम चला जाएगा और आपका भी। सो आप समझिए कि आपने जिस लीडर को चुना है उसके ऊपर इतना केस चल रहा है, लेकिन कोई भी सामने आकर ये बात नहीं बोलने वाला है। और बात करें वही दोस्तों कन्हैया कुमार की, तो उसका बस एक वैसा चीज जो भी है भी या नहीं है, लेकिन जहां भी उसका इंटरव्यू लिया जाता है सिर्फ यही, और चार मीडिया खड़ा होते हैं, चार लोग, और अकेला कन्हैया कुमार रहता है। लेकिन ऐसे इंसान से कोई नहीं पूछता, क्योंकि पैसा एक चीज है दोस्तों, पैसा और डर। अगर मीडिया सच बोलने की कोशिश की, इस देश में जो सच बोलना चाहता है उसको मरवा दिया जाता है, कटवा दिया जाता है, और कुछ लोगों के पैसे के साथ मुंह बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो मान गए उनको पैसों से मार दिया जाता है। लेकिन कोई भी सच बोलने को राजी नहीं है दोस्तों। कन्हैया के ऊपर इतने, मतलब इतनी, उसके ऊपर इतना देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो भी बीजेपी के विरुद्ध खड़ा हो गया वो पहले ही देशद्रोही बन गया, क्योंकि बीजेपी के विरोध है, और बीजेपी तो देशभक्त है ना, बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं, तो वो तो देशभक्त, देशद्रोही बनना ही है, किसी को भी है, चाहे वो कोई भी नेता रहे। अब जो है योगी की कुछ ऐसी प्रतिभाशाली बातों को आपको सुना देते हैं, पहले सुन लीजिए इन सब बातों को। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों ये किस तरह से बातें करते हैं, ना एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक धर्म के निपेक्षा। दोस्तों इनको लोग सिर्फ इसलिए वोट देते हैं हिंदू जी के नाम के, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो लोग भी हिंदू हैं ये किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लड़ाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। धर्म के नाम पे लड़ो और सब देश जो यीशु है दोस्तों, जो मैनिफेस्टो है उससे भटकता रहे। अगर ये लोग क्या करते हैं कि दंगा करवाते हैं जानकर, ताकि लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन वो जनता के यीशु पे नहीं काम करती है, वो धर्म के नाम पर लड़वाने का कोशिश करती है। और एक चीज बता देता हूँ कि हिंदू आपसे नहीं है योगी, आपसे नहीं है आदित्यनाथ, आपसे नहीं है हिंदू, पहले भी था और आज भी है और रहेगा, आप इसके कोई है नहीं, बस दिखावा मत कीजिए। करना है तो सच्चे धर्म से, निष्ठा से कीजिए, और धर्म के नाम पे लड़वाना बंद कीजिए। क्योंकि आज छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो कहता है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, बट ये बहुत ही गलत बात है कि ऐसा होता है। ये देश है दोस्तों, ये सिर्फ हिंदू से नहीं बना है, बल्कि इंडिया जो है वो टीके लगाने वाले से भी, टोपी पहनने वाले से भी, क्रिश्चियन से भी बना है, यानी कि बहुत सारे धर्म है जो इस देश में उत्पत्ति हुई थी। हिंदू भी है यहाँ, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, और सब मिलके ही तो हिंदुस्तानी बनते हैं। लेकिन ये बात लोग क्यों नहीं समझ, फूट डालो राज करो वाला बात जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज की नीति अब हमारे सरकार ला रहे हैं, और यह सवाल हमें पूछनी चाहिए दोस्तों। 2015 में तो इनको यह भी कहना है कि जो लोग योगा को अपोज करते हैं, अगेंस्ट है उसके, वो देश छोड़कर चले जाए। ये कैसा नियम हुआ भाई कि अगर आप योगा नहीं मानते हो, नहीं करते हो, तो आप देश छोड़कर चले जाओ, मतलब आप जो कहे वो हम करें तो देश में, नहीं तो हम जाए बाहर, ये कौन सा नीति हुआ। ये बता रहे हैं दोस्तों कि जो शाहरुख खान है वो हाफिज सईद के बराबर है। समझिए कि जो स्टार इतना स्ट्रगल करके उभरता है उसको ये लोग ऐसे बात करते हैं, जो कि बहुत ही उभरा पूर्ण स्टार है, जो कि बहुत नीचे तबके से आते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के, अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद भी ऐसे लोग उनका कंट्रोवर्सी, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आपको योगी बता देना चाहता हूँ कि ये क्रिमिनल नहीं थे और ना ही क्रिमिनल होंगे आपके तरह, जो मार काट करके सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, बल्कि अपनी मेहनत से एक्टिंग के दुनिया में छाए हैं, और आप इसे हाफिज सईद बोल रहे हो। और दोस्तों एक बात बताता हूँ कि गोरखपुर में जो 2007 में जो रायोटिंग हुआ था उसके तहत इनको अरेस्ट भी किया गया था, रायोटिंग को करने के लिए और उकसाने के लिए लोगों को। समझिए ऐसे ऐसे इंसान को आप प्रमोट कर रहे हो और अपने आप को बहुत ही अच्छा मान रहे हो। आप अपने नेता को चुनिए, लेकिन अच्छे नेता को चुनिए। एक वो पार्टी है जिसको आप खूब विरोध करते हो बात बात पर, एक वर्ड गलत बोलने पर, और एक नेता जो क्रिमिनल
केसेज है उसके ऊपर मारघात करने वाले पे भी आप कुछ नहीं बोलते हो, क्योंकि बीजेपी का जमाना है, आरएसएस का जमाना है, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो? आप बोलिए, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आप क्यों नहीं खड़ा होते ऐसे लोग के खिलाफ? क्या आप क्रिमिनल राज करेंगे हमारे सत्ता पे? जो कन्हैया कुमार को इतना हर जगह क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है सच? मुझे तो नहीं लगता कि मीडिया में भी ऐसे लोग बताते हैं। और अगर मेरी बताई गई बातों से आप नासंतुष्ट हैं, तो आप गूगल खोलिए, वहां सर्च कीजिए, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएगी योगी के बारे में। अगर लगता है मैंने एक भी चीज गलत बोला तो नोट डाउन कीजिए पॉइंट को। सो आशा करूंगा आप अपने नेता को देखेंगे एक बार गौर कर। सो जय हिंद और वंदे माता। कोई ऐसा कटाक्ष करने का मन नहीं करता या आदत नहीं है, बल्कि हम सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, अंधभक्ति से पर्दा फाश करना चाहते हैं, हम यही दिखाते हैं। हम लोग अंधभक्ति से पर्दा उठाने का कोशिश करते हैं, जो मीडिया ना करे, वो शायद जो कुछ ऐसे लोग हैं उभर कर आते हैं, शायद वो कर ले। सो जय हिंद और वंदे मातरम।